हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मिश्रा किचन। और मैं हूँ सुमित। आज हम लोगों ने ग्रीन सॉस पास्ता बनाया है। ये ऊपर में जो आपको रेड रेड दिख रहा है, ये है टमाटर, जिसे मैंने अच्छे से ऑलिव ऑयल के अंदर में रोस्ट करके ऊपर में रखा है। ऐसे ही है, ये दिखने में अच्छा लगता है, वैसे खाने में भी टेस्टी लगता है। और ये है ग्रीन सॉस पास्ता, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको क्रीमी लगेगा, टेस्टी लगेगा, हेल्दी भी है, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। हर एक चीज़ इसके अंदर में हेल्दी यूज़ की गई है। अब हमारे पास में 150 ग्राम पालक, ये पालक घर की पालक है। जी हाँ, ये घर की पालक है। अगर आपको भी ऐसी पालक उगानी है तो इसके लिए बने रहें। एक और मेरा YouTube का नया चैनल है, स्वाति सुमित गार्डन, वो हम दोनों का ही चैनल है, मेरी दीदी का और मेरा। ये जो नीचे वाली जो इसकी जड़ें हैं ना, इसे हमने काट लिया है, इससे हम फिर से पालक उगाएंगे अपने वो वाले चैनल पे, तो जाके देखें। अब हमारे पास में बॉइलिंग वाटर एकदम हाई फ्लेम पे बॉयल हो रहा है, लगभग 2 से 2.5 कप पानी है। इसके अंदर में अब हम अपनी पालक को ऐड करते हैं, थोड़ा सा इसे दबा देते हैं, पानी के अंदर में होनी चाहिए तभी तो बॉयल होगी। अब ये अंदर में चली गई है, अब अपनी फ्लेम को हमने हाई कर देना है। किसी भी चीज़ को डालते समय फ्लेम को लो करते हैं। अब अपनी फ्लेम को हमने मीडियम रख के 5 मिनट तक इसे पकाना है। ये देखिए, मीडियम फ्लेम थी, 5 मिनट तक इसे पकाया, अब इसे बंद कर दिया। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, या तो आप इसे टोंग यानी कि चिमटे की हेल्प से निकाल सकते हैं, या तो इसे डायरेक्ट स्ट्रेन कर सकते हैं, वो जो जाली आती है ना स्ट्रेनर, उसके साथ में। अब जब तक हमारी पालक ठंडी हो रही है, तब तक अब हम अपना कुछ और काम करते हैं। अब कुछ और काम में क्या है, 2 से 2.5 कप बॉयल पानी लेना है, यानी कि पानी लेना है, इसे अब हमने बॉयल करना है। इसके अंदर में थोड़ा सा ऑयल हमने डालना है, मैं तो ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी बनाने वाले हैं। इसमें थोड़ा सा गया सॉल्ट, 1/2 टीस्पून के करीब। इसमें आ गया बॉयल, अपनी फ्लेम को करें लो। इसमें डालेंगे पास्ता, 200 ग्राम पास्ता है, 200 ग्राम ऑफ पास्ता। अब अपनी फ्लेम को कर देंगे हाई। हाई फ्लेम पे 7 से 8 मिनट लग जाते हैं ऐसे वाले लंबे वाले पास्ता को पकने में। ये होल व्हीट पास्ता है, यानी कि आटे उटे वाला पास्ता है, हेल्दी पास्ता है, मैदे वाला नहीं है। अब 8 मिनट के बाद मैं इसमें कट करके देखता हूँ, कट हो जा रहा है, टू द टूथ बना हुआ है ये। टू द टूथ मतलब बिल्कुल ही नहीं पकता है, थोड़ा सा कम पकाना है। अब एक कढ़ाई में थोड़ी सी पीनट्स लेते हैं, 1/4 कप के अराउंड। अब इसे हम रोस्ट कर लेते हैं। पीनट को रोस्ट करने के बाद में अब एक प्लेट में इसे निकाल ले। पास्ता भी हमारा तैयार हो चुका है, स्ट्रेन उसे मैंने कर लिया है, पीनट्स भी अब तैयार है, पालक भी अब तैयार है। अब एक और चीज़ को तैयार करना है, वो है टमाटर। उसके लिए कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई में ऐसे डालते हैं ऑयल, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, लगभग 2 बड़े चम्मच के अराउंड। इसके अंदर में अब एक बड़े साइज़ के टमाटर को इतने बड़े बड़े टुकड़ों में हमने काट के इसमें रख देना है, और इसे ब्लैक होने तक हमने पकाना है। इसका थोड़ा फ्लेवर अच्छा आता है, बिल्कुल ही रेड वाले टमाटर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दिखने में अच्छे लगते हैं, खाने में तो अच्छे लगेंगे ही। एंड दैट्स इट, इसे हमने अच्छे से रोस्ट कर लेना है। ब्लैक ब्लैक एकदम जैसे ही हो जाते हैं, तो जो जो ब्लैक वाले पीस है ना, वो हमने 3-4 पीस निकाल देने हैं, 2 पीस भी निकाल सकते हैं, वो मैंने गार्निश के लिए निकाले हैं। ये बाकी के हम इसी में डालेंगे पास्ता में। अब सबसे पहले हमने अपनी पास्ता की सॉस को रेडी करना है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। 1/4 कप मैंने डाला है पीनट, रोस्टेड पीनट। अब इसमें ब्लेंच की हुई पालक को डालते हैं, थोड़ी थोड़ी टुकड़ों में ऐसे ही रफली बस तोड़ देनी है, चाहे तो चाकू से भी काट सकते हैं। इसमें जाएंगे गार्लिक के क्लोव्स, 4 पीसेस। इसे ढक के इसे हमने पीस देना है। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, अगर पानी डालेंगे तो ये चटनी बन जाएगी, पानी नहीं डालेंगे तो ये थोड़े थोड़े पीनट के जो पीसेज हैं ना, वो खड़े रहेंगे, वो अंदर में सॉस में जब पकेंगे वो अंदर चले जाएंगे पास्ता के अंदर में, और वो टेस्ट लगेगा। अब अपनी फ्लेम को हम जलाते हैं, जिसमें हमने अपने टमाटर को रखा है, क्योंकि हमारा पास्ता बन के रेडी है, स्ट्रेंड भी है। अब इसे डालते हैं इसमें, हाई फ्लेम है अभी मेरी, ये मैं सारा प्रोसेस हाई फ्लेम पे इस बार करने वाला हूँ, फटाफट बन जाएगा। अब ये जो टमाटर है ना, इसे ना थोड़ा थोड़ा ऐसे करके बस आपने मैश कर देना है, इनफ है, आराम से हो जाएगा क्योंकि काफ़ी देर पक चुका है।
दैट्स इट। अब इसमें हम अपनी पास्ता की जो हमने सॉस बनाई थी ग्रीन वाली, अब वो इसमें ऐड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी है। अब इसमें डालते हैं मिल्क, मिल्क कोई भी ले सकते हैं, रूम टेम्परेचर वाला या फ्रिज वाला, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एक कप अभी मैंने इसमें मिल्क डाला है, लेकिन हमने इसमें टोटल डालना है 1.5 कप मिल्क। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, पहले हो गया मिक्स, अब इसमें 1/2 कप दूध और इसमें डाल देंगे, हो गया ना टोटल 1.5 कप दूध, आप 2 कप भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ओरिगेनो सीजनिंग, ये मैं इस ब्रांड की यूज़ कर रहा हूँ, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। अब इसमें डालेंगे चीज़ मैंने पिज़्ज़ा वाला चीज़ इसमें डाला है 1/2 कप, इसे अच्छे से कर देते हैं मिक्स। बस अब बनने वाला है हमारा पास्ता, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसे अच्छे से बस हमने किया मिक्स एंड दैट्स इट। जैसे हमारी जो सॉस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, सूख जाती है यानी कि पक के, तो ये रेडी हो जाता है। अब इसे हम सर्व कर सकते हैं और इसे खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, एक अलग ही टाइप का आपको फ्लेवर मिलेगा। ये पेस्टो सॉस इसे बोलते हैं, पेस्टो सॉस वाला पास्ता है ये वैसे, लेकिन उसमें बेजल लीव्स डालते हैं, मैंने पालक से बनाया है। दैट्स इट, अब ये रेडी है, इसे इंजॉय करें, खाएं। सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट, जितने भी इंग्रेडिएंट्स, जितना भी सामान, जो भी किचन का टूल्स है, सब कुछ जो भी मैंने यूज़ किया इस वीडियो में, वो सब कुछ का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन परचेज किया गया है। अब आपको किसी भी चीज़ को अगर ख़रीदना है तो आप लिंक पे जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आराम से ख़रीदें। बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना।